हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो। इट इज़ द फर्स्ट वन इज सिस्का ST 4x3 और के, एंड सेकेंड वन इज टोरीमा PR 2632। ये दोनों का आज मैं फुल कंपैरिजन रिव्यू करूँगा, जो कि आप देख सकते हो दोनों ही मेरे पास में इस वक्त अवेलेबल है। राइट हैंड में है, यह है सिस्का और यह है टोरीमा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों की कंपैरिजन के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कंपैरिजन, एक ह्यूज कंपैरिजन इस पर बनता है। द मेन रीज़न इज ऑफ प्राइस और कुछ चीज़ें। सिस्का जो है ये वाला, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1600 रुपये। अभी इस वक्त अमेज़ॉन पे है ये, और इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़। तो मुझे 500 रुपीज़ में पड़ा है। अब इन दोनों ट्रिमर की खास बात यह है कि ये अपने जो भी स्पेशलिटी उसके लिए माना जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिस्का ट्रिमर की कुछ स्पेशलिटी के बारे में, तो मैं बता दूँ ये जो ट्रिमर है, इस ट्रिमर के सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दो अलग अलग टाइप के आपको इसके साथ इस तरह का जो क्लिप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला, ऐसा आपको मिलता है। एक नोज़ के लिए होता है, नोज़ का अगर कोई एयर अगर ट्रिम करना उसके लिए, और दूसरा एक ज़ीरो ट्रिम के लिए होता है, बहुत ही पतला, जिसमें अगर आप लगाते हो तो बारीक बारीक जो आपका हेयर है उसे आप ट्रिम कर सकते हो। ये अच्छी बात है। इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको ट्रिमर का ये साइड भी मिलता है, बट वो आपको टोरीमा भी मिलता है, तो कोई इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। यहाँ पर सबसे इसकी जो घटिया बात मुझे लगी है इस ट्रिमर की, वो ये है कि जब अगर इसकी चार्जिंग पिन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको 500 रुपये खर्चा आने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हो इस टाइप का जो चार्जर होता है, नोकिया का पिन ये हुआ करता था, तो उस टाइप का चार्जर आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ बिल्ड वाइज, तो मुझे लगता है बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे टोरीमा थोड़ा मुझे बेहतर लगा, बट ये भी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1600 और 500 में कंपेरिजन करेगा तो फिर ये जो टोरीमा है ये विन करता है बिल्ड क्वालिटी एंड लुक वाइज। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया दोनों की स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन। अब बात करते हैं इन दोनों की लॉन्ग लास्टिंग, जैसा ये कौन टिकने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बैटरी के बारे में आप बात करें, दोनों का सिमिलर टाइमिंग है, चार्जिंग का भी 2 घंटे लगता है दोनों को चार्ज करने में, और कॉर्डलेस प्लस कॉर्डेड है। ये आपको 500 रुपये में कॉर्डेड प्लस कॉर्डलेस आपको दे रहा है, और ये आपको 1600 में दे रहा है। तो कॉर्डर्ड प्लस कॉर्डलेस का आपको मालूम है कि विन तो यही करेगा फिर, तो इस मामले में टोरीमा विन करता है, क्योंकि तो प्राइस भी इसका कम है और कॉर्डर्ड प्लस कॉर्डलेस है। सेकेंडली, टोरीमा के साथ जो है ऐसा कोई भी आपको क्लिप्स नहीं मिलेगा, सिर्फ एक क्लिप मिलेगा जिसमें आपको अगर आपको शेविंग करना है, यानी कि अगर आपको बियर्ड को शेप में लाना तो उसके लिए वो होता है, बाकी और कोई चीज़ के लिए वो अवेलेबल नहीं होता। इसमें कोई ऐसे कोई नोज का हेयर निकालना या फिर कोई जीरो ट्रिम करना, बट इसका जो खास बात ये है मैं आपको बताऊंगा वो आगे, आपको कौन सा चीज़ इसमें सबसे आपको बेटर आपको यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये एक चीज़ हो गया टोरीमा का। तो टोरीमा के अंदर बेसिकली आपको टाइप सी का सपोर्ट का केबल मिलता है, विच अगेन ये विन करता है, क्योंकि अगर टाइप सी केबल में या चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। आपके पास खुद का मोबाइल चार्जर है, उसका तो टाइप सी का पिन, आप टाइप सी पिन खरीद सकते हो 150 या 100 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। अभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका मोबाइल फ़ोन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो आप सोच लेना कि विच वन इज़ बेटर। तो उस मामले में भी टोरीमा विन करता है। यहाँ पर अगर ट्रिमिंग क्वालिटी की बात की जाए, स्पेशली ट्रिमिंग क्वालिटी के अंदर मैं बोलूँगा विनर इज़ टोरीमा। अब क्वालिटी के परफॉर्म, अगर आप जब इसे शेव करोगे तो आपको दोबारा उस जगह पे ना पिन घुमाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार आपको पिन घुमाना है और आपका काम डन। वेयर एस ये ट्रिमर जब आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको जो है आपको सब महसूस नहीं होगा कि वो डीप पूरा कट कर रहा है, लेकिन ये इसका भी मैं बताऊँगा क्या अच्छाई इसके अंदर क्या अच्छाई है। तो जब आप इसे ट्रिम करोगे ना, उसके बाद में जो आपके जितने भी जो साइड के जब आप हेयर आप पूरी तरह से निकाल लोगे तो आपको डबल एक और बार आपको घुमाना होगा, फिर उसके बाद में एक छोटा सा एक और एक डीप हेयर कटिंग एक या इस तरह से ऐसा एक आता है जो आप लगा लोगे, उसके बाद आप
कर लोगे, यानी कि आपको सेकेंड टाइम आपको करना पड़ेगा, दो बार आपका टाइम लगेगा तो आपको वक्त लगेगा। तो ट्रिमिंग क्वालिटी के मामले में विन करता है टोरीमा। यहां पर अगर हम देखिए टोरीमा के अंदर और इसके दोनों में कंपैरिजन देखो क्या है, तो वो कंपैरिजन है इसका, ये जो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ना वो सिस्का का ज्यादा है, और आप इसका देख सकते हो टोरीमा का थोड़ा कम है। तो ये जरा ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा और टोरीमा जो है ये थोड़ा सा कम सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन ट्रिमिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया आपका फटाफट। एक बार आपने एक सर्फेस एरिया पे से कभी अपना ग्राफ पर घुमा दिया ना, दोबारा आपको जबरदस्त उसमें घुमाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ट्रिमर है इसकी सबसे अच्छी बात, मतलब एक पॉजिटिव एक बात यह है कि इसकी जो ये जो विड्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ज़्यादा एरिया, ज़्यादा हेयर कटिंग एरिया को कवर करता है आपका, जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा टाइम आपको लगता है। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस ट्रिमर में ये जो विड्थ है अगर ये ज़्यादा होता तो इसने कई सारे ट्रिमर को बीट कर दिया होता। ट्रिमिंग क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है। अब देखना है कि ये टिकता कैसा है, बिकॉज ये जो ट्रिमर की बात करूँ मैं सिस्का की, सिस्का कम से कम एक साल तक तो है, बट इसकी प्रॉब्लम ये हुआ ऐसा चार्जिंग का जो केबल उसका प्रॉब्लम हो चुका है, जिस वजह से मुझे 500 रुपीज़ का मुझे खर्चा आ रहा था और वो 500 में मैंने ये ले लिया। तो आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ समझ लो कि कौन सा ट्रिमर है वो विन करता है। मेरे लिए वो ये ट्रिमर ही है जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ट्रिमर है। ट्रिमिंग क्वालिटी भी अच्छी, कॉर्डेड प्लस कॉर्डलेस। अब देखना है कि ये कितना लंबे समय तक इसकी जो ब्लेड्स की जो स्टेलनेस है वो स्टेन क्या बोलते हैं इसे, जो धार है वो कितना समय तक इसका रहता है, फिर उसके बाद हम देख पाएंगे कि ये ट्रिमर कैसा है। और इसकी कटिंग भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रिमिंग क्वालिटी इतना डीप पर नहीं, बट इसकी भी ये भी ट्रिमिंग बहुत अच्छा कर देता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे इससे थोड़ा मुझे ज़्यादा बेहतर मुझे क्वालिटी ट्रिमिंग मुझे मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो वैसे दोनों ही ट्रिमर काफ़ी सही है, बट मेरे हिसाब से टोरीमा 500 रुपीज़ में आपको एक बेटर ऑप्शन आपको मिलता है।